दोस्तों गर्मियों का वो टाइम आ गया है जब हमें पूरे दिन कुछ ना कुछ पीने का मन करता रहता है। ऐसे में ज्यादातर हम कोल्ड ड्रिंक्स या प्रिजर्वेटिव से भरे पैक जूस पीने लग जाते हैं। ये एक बार के लिए भले ही थोड़ी ठंडक दे दें लेकिन आखिर तो हेल्थ प्रॉब्लम्स को ही निमंत्रण देते हैं। लेकिन बस अब इन पे खर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ 7 ड्रिंक्स जिन्हें आप घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हेल्दी हैं, ऊपर से बहुत टेस्टी हैं और एक्चुअली बॉडी को अंदर से ठंडक देती हैं। सबसे अच्छी बात है कि इन ड्रिंक्स को बनाना इतना इजी है कि इनमें से कुछ तो 30 सेकंड्स में ही बन जाएंगी, सच में 30 सेकंड्स में। तो आओ बात करते हैं 7 नो एक्सक्यूज कूलिंग ड्रिंक्स की। स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। शुरू करते हैं नंबर 7 सत्तू के शरबत से। जब भुने चने को पीस दिया जाता है तो उसे सत्तू कह देते हैं। सत्तू में 20% प्रोटीन होता है, साथ में कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज और मैग्नीशियम जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। एक ग्लास में 4 से 5 छोटे चम्मच सत्तू पाउडर के डाल दें। अब इसमें 250 ml पानी डाल दें, थोड़ा सा काला नमक और आधा नींबू निचोड़ दें। अच्छे से मिला लें और आपका सत्तू शरबत रेडी है। अगर आपको कभी गर्मी की वजह से थकान हो, शरीर सा टूटने लगे तो बस सत्तू शरबत से बेहतर और कुछ भी नहीं है। बॉडी को मिनटों में ठंडा कर देता है और इसमें बहुत ताकत भी होती है। सत्तू शरबत स्किन के लिए भी अच्छा होता है। नंबर 6 गोंद शिकंजी। गर्मियों में नींबू पानी पीना किसे नहीं पसंद, लेकिन क्या आपको पता है कि नींबू पानी में अगर एक और चीज डाल दी जाए तो इसका दुगना फायदा मिलता है और वो चीज है गोंद कतीरा। एक ग्लास में 200 ml पानी ले लें। अब इसमें 2 चम्मच मिश्री पाउडर के डाल दें, एक नींबू निचोड़ दें, चुटकी भर काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक। अब इसमें 2 बड़े चम्मच गोंद के डाल दें, मिला दें, हो गया। गोंद बनाने के लिए आधा चम्मच गोंद कतीरा का पानी में भिगोकर कुछ घंटे के लिए रख दें, अपने आप फूल जाएगी। ये ड्रिंक आपको गर्मियों में लू से बचाएगी और गोंद तो बॉडी में वीकनेस भी आने नहीं देती। एक नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है, जरूर ट्राई करें। नंबर 5 पे है क्यूकम्बर कूलर। अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉडी फैट भी रिड्यूस हो जाए और साथ में गर्मी में ठंडक का एहसास भी मिलता रहे तो फिर खीरे की इस ड्रिंक को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। एक खीरे को काट कर मिक्सी में डाल दें, छिलका ना उतारना, बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। अब इसमें एक नींबू का रस डाल दें, थोड़ा सा काला नमक और जीरा पाउडर भी, आधा ग्लास पानी का डाल दें और मिक्सी चला दें। बस बन गया। आप चाहो तो छान भी सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि पूरे न्यूट्रिएंट्स का फायदा लेने के लिए ऐसे ही पिएं। खीरे की कूलिंग प्रॉपर्टी का तो हमें पता ही है और टेस्ट भी जबरदस्त है, ट्राई कर लो। नंबर 4 पे है कच्ची लस्सी। पंजाब की पॉपुलर ड्रिंक कच्ची लस्सी बहुत रिफ्रेशिंग होती है। वो कहते हैं ना कि यार कलेजे विच ठंड पै जाती है, पंजाबियों के लिए गर्मियां बिना कच्ची लस्सी के अधूरी हैं। और ये शायद इकलौती ऐसी लस्सी रेसिपी है जिसमें दही की जगह दूध इस्तेमाल होता है। एक ग्लास में 30 से 40 ml दूध ले लें। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच मिश्री पाउडर का मिला दें और बाकी ग्लास को पानी से भर दें। बस कच्ची लस्सी रेडी है। आपने शायद नोटिस किया होगा रोड साइड चैरिटी स्टॉल्स लगती हैं जहां हर आते जाते बंदे को गर्मी में फ्री ड्रिंक ऑफर की जाती है। मोस्टली वो कच्ची लस्सी ही होती है, बनानी आसान है और कूलिंग तो है ही। नंबर 3 पे है वाटरमेलन मिंट कूलर। जैसे कि इसका नाम है, तरबूज और पुदीने से बनी ये ड्रिंक इंस्टेंटली बॉडी को ठंडक देती है और इसके टेस्ट का तो कोई मुकाबला नहीं। मिक्सी में तरबूज डाल दें, बीज निकालने की जरूरत नहीं है और थोड़े से पुदीने के फ्रेश पत्ते डाल दें, चला दें मिक्सी और वाटरमेलन मिंट कूलर रेडी है। तरबूज और पुदीने के कॉम्बिनेशन से जो टेस्ट बनता है वो तो ट्राई करने लायक है। मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट समर ड्रिंक है। जब डिहाइड्रेशन फील होती है मैं पी लेता हूँ। नंबर 2 पे है जल जीरा। अगर आपको फील होता है कि आपकी डाइजेशन वीक है तो आपको ठंडक के लिए जल जीरा अक्सर पीना चाहिए। हर्ब्स और स्पाइसेस से बना जल जीरा का एज ओल्ड फॉर्मूला बॉडी से एक्सेस हीट को बाहर निकालता है और डाइजेस्टिव सिस्टम की भी सफाई करता है। मिक्सी जार में थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दें। अब इसमें 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा डाल दें, 1/4 चम्मच काला नमक डाल दें, 1/4 ही चम्मच सेंधा नमक का भी डाल दें, चुटकी भर काली मिर्च और हींग, थोड़ा सा पानी डाल दें और ब्लेंड कर दें। अब एक बोल में 2 ग्लास पानी ले लें और इसमें स्वाद अनुसार शक्कर डाल दें, 1 नींबू भी निचोड़ दें, मिक्स कर दें। अब इसमें जल जीरा वाला मिक्सचर मिला दें, अच्छे से दोनों को मिक्स कर दें और आपका ऑथेंटिक होममेड जल जीरा रेडी है। ठंडा है, रिफ्रेशिंग है और आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। और हाँ, मार्केट में मौजूद पेट के लिए मोटी मोटी गोलियों को फेल कर सकता है। नंबर 1 पे है बेल शरबत। गर्मियों का तोहफा है बेल का शरबत। स्पेशली उत्तर भारत में इसे काफी इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में बेल के ढेरों फायदे बताए गए हैं। बेल शरबत बनाने के लिए पहले तो बेल को तोड़ लें। अब 1 चम्मच से
इसके गूदे को बाहर निकाल लें। इसमें एक ग्लास पानी का डाल दें। अब अपने साफ हाथों से इसके पल्प को अच्छे से मिक्स कर दें। अब छननी से एक्स्ट्रा पल्प और बीजों को निकाल दें। आप थोड़ा और पानी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। शक्कर से मीठा करें और अच्छे से मिक्स कर दें। बेल शरबत का अपना एक अलग सा ही टेस्ट होता है। एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है और अंदर से बॉडी को रिफ्रेश कर देता है। तो इस गर्मी बेल से घर पे शरबत जरूर बनाएं। सो दोस्तों, ये थी गर्मियों के लिए मेरी टॉप 7 ड्रिंक्स। ये सिर्फ पीने में ही ठंडी नहीं बल्कि एक्चुअली बॉडी से एक्सेस हीट को बाहर निकालती हैं। ढेरों हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ बनानी भी बहुत आसान है। आई गेस अब तो आपको उन सो कॉल्ड कोल्ड ड्रिंक्स को पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या अब भी कोई बहाना है? आप इनमें से कौन सी ड्रिंक को सबसे पहले ट्राई करोगे? कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी है तो ओजीवा का प्लांट बेस्ड बेटर जिंक प्लस एक अच्छा सप्लीमेंट है भारतीय मार्केट में। जिंक एक इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, सेल प्रोडक्शन और बॉडी के इम्यून फंक्शंस में हेल्प करता है। ओजीवा का बेटर जिंक प्लस बना है 100% प्लांट एक्सट्रैक्ट से, जैसे कि कैमोमाइल, ब्लूबेरी, साथ में अदरक, अमरूद और पेठे के सीड्स भी। प्लांट बेस्ड होने की वजह से ये बाकी जिंक सप्लीमेंट्स जो सही से जिंक का सोर्स तक नहीं रिवील करते और ज्यादातर जिनका सोर्स सिंथेटिक होता है, उनसे ओजीवा का बेटर जिंक प्लस आपकी बॉडी में बेहतर एब्जॉर्ब होगा। इसकी एक सर्विंग में आपको मिलेगा 12 मिलीग्राम जिंक। हालांकि किसी भी ऐसे सप्लीमेंट को लेने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। इसे मेन और विमेन दोनों ही ले सकते हैं। ओजीवा का 100% प्लांट बेस्ड बेटर जिंक प्लस खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।